चंद्रयान 3 अब सफलता से कुछ ही कदम दूर है। जल्द ही चंद्रयान चांद पर होगा। इसरो को जिस पल का सालों से इंतजार था, बस वो पल अब आने वाला है। बस 6 दिन और बाकी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। लगभग 700 करोड़ में लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3 रिकॉर्ड बनाने से बस कुछ ही कदम दूर है। 16 अगस्त की सुबह चंद्रयान 3 ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है और 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। सुबह 8:38 पर सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन को ऑन किया गया और अब चंद्रयान 153x163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इससे पहले चंद्रयान 150x177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। अब इसका चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैनुअल हो चुका है, यानी अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। कुछ दिनों में चांद पर होगा भारत का चंद्रयान। इस मिशन का कैरियर 17 अगस्त से एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्रा शुरू करेंगे, यानी प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल यहां से अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100x100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त को दोपहर 4:45 से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की कक्षा में ऊंचाई कम की जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 2:45 बजे डीजी ऑर्बिटिंग होगी। अगर सब ठीक रहा तो 23 अगस्त को 6:45 बजे करीब लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। कुछ दिनों बाद भारत के खाते में होंगी कई उपलब्धियां। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 की स्थिति और सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है तो भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। इसके साथ ही सबसे कम खर्च और बिना किसी हैवी रॉकेट के इस मिशन को पूरा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा।